भेड़ की लैंडी खिलाने से क्या कोई ठीक हो सकता है? आप कुछ सोचो। डंग ऑफ शिप। और सुनो, सबसे मजे की बात पता है वहां पे क्या था? ये होता था कि रोगी का उपचार यानी रोगी का ट्रीटमेंट करने के लिए नुकीले पत्थरों से उसकी खोपड़ी में छेद किया जाता था, यहाँ पे मार मार के। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी का टाइम पीरियड्स, कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी कब स्टार्ट हुआ और कब से कब तक रहा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। प्री साइंटिफिक पीरियड। अगर हम प्री साइंटिफिक पीरियड की बात करें तो प्री साइंटिफिक पीरियड एक वैज्ञानिक काल से पहले का समय यानी बहुत पुराना समय होता है। प्री साइंटिफिक पीरियड की बात करें तो प्री साइंटिफिक पीरियड कब से कब तक था? ये पुराने समय से, मतलब बहुत पुराने समय से 1800 एडी तक था। यह है मॉडर्न ओरिजिन ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, यानी असामान्य मनोविज्ञान का आधुनिक उद्भव जो हुआ था 1801 से 1950 में 50 तक हुआ था। एबनॉर्मल साइकोलॉजी टुडे यानी आज का मनोविज्ञान, और आज का मनोविज्ञान कब से कब तक था? आज का मनोविज्ञान था 1951 यानी 1951 से टुडे यानी आज तक। आज तक मतलब जो भी है, इनफैक्ट अब तक भी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एबनॉर्मल साइकोलॉजी का उद्भव यानी इसका विकास कब से कब तक हुआ, तो चलिए अब आते हैं आगे। प्री साइंटिफिक पीरियड यानी पूर्व वैज्ञानिक काल। अगर हम बात करें पूर्व वैज्ञानिक काल की, कि असामान्य व्यवहार या असामान्य मनोविज्ञान की शुरुआत पूर्व वैज्ञानिक काल से ही शुरू हो गई थी, यानी बहुत पुरानी यानी पाषाण युग से ही शुरू हो गई थी। तो उसमें क्या है, असामान्य व्यवहार तथा उसके उपचार की शुरुआत पाषाण युग यानी स्टोन एज से ही शुरू हो गई थी। पाषाण युग एक इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट था। पाषाण युग क्या था? एक इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट था जिसे जीववाद यानी एनिमिज्म कहा जाता था। पाषाण युग को क्या कहा जाता था? जीववाद। जीववाद यानी एनिमिज्म। तो उसके आगे की हम बात करें तो उसमें क्या है, प्राचीन काल यानी एशियन टाइम में ग्रीक, चाइना, इजिप्ट आदि देशों में रहने वाले लोगों का मानना यह था कि जब व्यक्ति के प्रति ईश्वर की भावना खत्म हो जाती है तब व्यक्ति में असामान्य व्यवहार उत्पन्न हो जाता है, यानी व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है जब व्यक्ति के प्रति ईश्वर की भावना खत्म हो जाती है तो। और असामान्य व्यवहार व्यक्ति क्यों करने लगता था, मतलब व्यक्ति का असामान्य व्यवहार इसलिए हो जाने लगता था क्योंकि उसके प्रति ईश्वर की दया, दृष्टि, भावना ये सब खत्म हो जाती थी। ठीक है, और व्यक्ति को पनिशमेंट के रूप में यही होता था कि कोई भी व्यक्ति अब उसके बिहेवियर को एबनॉर्मल तरीके से करने लगता था। ठीक है, और जो जीववाद की जो विचारधारा थी वो कुछ इस तरीके की थी कि उनका मानना ये था कि अगर पत्थर लुढ़का या पानी बह रहा है या हवा फ्लो हो रही है तो ये किसकी वजह से हो रही है, इसको कोई सुपर पावर फ्लो करा रहे हैं यानी भगवान करा रहे हैं इसको, उन लोगों का मानना ऐसा था। क्योंकि उस टाइम साइंटिफिक पीरियड तो था नहीं, साइंटिफिक पीरियड से पहले लोग ऐसा ही मानते थे कि इसको, मतलब ये जो भी काम हो रहा है, पत्ते हिल रहे हैं, हवा फ्लो हो रही है, पानी बह रहा है, पत्थर लुढ़क रहे हैं, ये सब कौन करा रहा है, भगवान यानी कोई सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। एक्चुअली हवा बहना, पानी बहना, पत्थर लुढ़कना, ये प्रकृति यानी नेचर के रूल है, नेचर के नियम है, ये इस वजह से होता है। अभी आते हैं हम आगे। आते हैं आगे अकॉर्डिंग टू एनिमिज्म यानी जीववाद के अनुसार व्यक्ति एबनॉर्मल बिहेवियर जो करता था वो तभी करता था, एनिमिज्म के जो लोग थे उनका मानना था, यानी जीववाद के टाइम के जो लोग थे उनका मानना था कि व्यक्ति जो एबनॉर्मल बिहेवियर करता है वो इसलिए करता है, या व्यक्ति जो एबनॉर्मल बिहेवियर करता था वो तब करता था जब व्यक्ति के अंदर किसी बुरी आत्मा यानी स्पिरिट या भूत प्रेत का वास हो जाता था, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर भूत प्रेत या कोई ऐसी बुरी आत्मा घुस जाती थी जिस कारण व्यक्ति एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता था। ऐसा मानना किसका था? एनिमिज्म के लोगों का। ठीक है, ये आपका लिखा है सारा, आप इसको देख सकते हैं। आगे आते हैं प्राचीन जीववाद चिंतन यानी एनिमिस्टिक थिंकिंग। एनिमिस्टिक थिंकिंग क्या थी? इससे व्यक्ति
की मानसिक अवस्था ही प्रभावित नहीं हुई बल्कि उसका उपचार यानी ट्रीटमेंट का मोड यानी जो उसका रूप था ट्रीटमेंट का जो ढंग था वो भी काफी प्रभावित हुआ था। एनिमिस्टिक थिंकिंग के अनुसार लोगों की खाली मानसिक अवस्था या एबनॉर्मल बिहेवियर पे ही इफेक्ट नहीं पड़ा था बल्कि उसका जो ट्रीटमेंट था वो उससे भी खतरनाक था, उसका और भी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। कैसे वो आगे देखते हैं। प्री साइंटिफिक पीरियड से पहले जीववाद यानी एनिमिज्म के अनुसार एबनॉर्मल बिहेवियर के उपचार यानी ट्रीटमेंट की दो विधियां थी और वो दोनों ट्रीटमेंट यानी वो दोनों मेथड कौन से थे। अगर हम पहले की बात करें तो पहला था अब्दूत निसार यानी एक्जोरिज्म और दूसरा था टेरिफाइनेशन। ये दोनों ट्रीटमेंट के अलग अलग विधियां थी। मैं इसको मिटा देता हूं। अब आते हैं हम आगे। अब्दूत निराशन यानी एक्जोरिज्म जो था रोगी को इसमें कैसे ठीक किया जाता था, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके का होता था। पहला जो था प्रेयर यानी पहले प्रार्थना की जाती थी रोगी के लिए ताकि वो ठीक हो जाए। दूसरी ये थी कि जादू टोना किया जाता था। जादू टोना यानी इंकार्नेशन। इसमें क्या होता है जैसे आज की डेट में आज भी लोग क्या जादू टोना कि आज हमारे उसका बुरा हो रहा है, हमारे घर में इसका बुरा हो रहा है, उसका बुरा हो रहा है, क्या कुछ किसी भक्त को दिखाओ, किसी बाबा को दिखाओ, ऐसा होता था ना। तो ये आज के टाइम पे भी ऐसा हो रहा है जबकि लोगों को आज भी समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले ऐसा किस लिए करते थे कि रोगी को ठीक करने के लिए ऐसा किया जाता था, जादू टोना करवाया जाता था, किसी भक्त को बुलाया जाता था और वो मंत्र मंत्र पढ़ता था ताकि रोगी एबनॉर्मल बिहेवियर करने वाला जो पेशेंट था वो ठीक हो जाए। जबकि ये कोई ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं, ऐसा तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि ऐसे कोई व्यक्ति ठीक हो जाए। अगर वो वाकई में पेशेंट है तो क्या वो ऐसे ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है शोरगुल। शोरगुल यानी नॉइस मेकिंग। नॉइस मेकिंग में क्या होता था कि इसमें रोगी के पास इतना ज्यादा शोर शराबा किया जाता था, हॉर्न बजाए जाना, मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा किया जाता था रोगी के पास ताकि रोगी के अंदर से वो बुरी आत्मा जो भी थी वो बाहर निकल जाए। झाड़ फूक में क्या होता है कि भाई किसी को बाबा को बुलाते हैं, भक्त को बुलाते हैं और के आजम बजम करके और ये कर देते हैं, ऐसा ये कोई लॉजिक तो नहीं हुआ ना। इस तरीके के ये सारे इलॉजिकल फैक्टों को वहां लॉजिकली तरीके से यूज करते थे रोगी को यानी एबनॉर्मल बिहेवियर का जो पेशेंट होता था उसको ठीक करने के लिए। और सुनो सबसे मजे की बात पता है वहां पे क्या था, जैसे जो एबनॉर्मल बिहेवियर जो करता था, जो भी पेशेंट होता था, जो भी व्यक्ति जो भी रोगी होता था जो एबनॉर्मल बिहेवियर करता था उसको क्या किया जाता था, उसको कौड़े लगाए जाते थे ताकि उसके शरीर पर जितना कष्ट होगा, उसको जितना दर्द होगा, उसके अंदर से उतनी ही जल्दी जो बुरी आत्मा बैठी है वो बाहर निकल जाएगी। ये कोई बुरी आत्मा थोड़ी नहीं होती, ये कोई बैड स्पिरिट थोड़ी नहीं है, ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो बुरी या अच्छी है। ठीक है, बस ये होता क्या है, इंसान की एबिलिटी खराब हो जाती है यानी माइंड एबिलिटी जो होती है जिसपे वो अपना संतुलन खो बैठता है, ये होता है। बाकी और कोई आत्मा वात्मा नहीं होती और ना ही किसी को कोई पकड़ता अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। ठीक है, और क्या होता था, पेशेंट को सिर्फ डंग खिलाई जाती थी, मतलब भेड़ की लैंडी। अब आप सोच सकते हो कि उस टाइम रोगी के साथ कैसा कैसा बिहेवियर होता था, मतलब क्या क्या हथगंडे अपनाए जाते थे रोगी को ठीक करने के लिए। भेड़ की लैंडी खिलाने से क्या कोई ठीक हो सकता है? आप कुछ सोचो, डंग ऑफ सिप, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी को भेड़ की डंग खिलाओ और वो ठीक हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सारे हथगंडे थे, ये सारी विधियां थी, इन विधियों को अपनाया जाता था रोगी को ठीक करने के लिए। कौन से रोगियों को ठीक करने के लिए, जो एबनॉर्मल बिहेवियर करते थे उनको ठीक करने के लिए, कौन से में, अब्दूत निराशन यानी एक्जोरिस्ट में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, ट्रीफाइनेशन मेथड में क्या होता था। ये इसमें भी अलग तरीके से रोगी का ट्रीटमेंट किया जाता था। जैसे इसमें होता क्या था, रोगी वो होता था जो एबनॉर्मल बिहेवियर करता है और उसका उसके एबनॉर्मल बिहेवियर को ठीक करने के लिए इसमें भी कुछ अलग ही तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता था। इस विधि में कुछ अलग ही ढंग से रोगी का उपचार यानी ट्रीटमेंट किया जाता था। इसमें रोगी के सर यानी खोपड़ी में नुकीले पत्थर को मार मार कर उसकी खोपड़ी में छेद कर देते थे।
ऐसा करने का कारण यह था कि रोगी के अंदर जो बुरी आत्मा बैठी हुई है वो बाहर निकल जाएगी और रोगी ठीक हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? कैसे है? मतलब ये होता था कि रोगी का उपचार यानी रोगी का ट्रीटमेंट करने के लिए नुकीले पत्थरों से उसकी खोपड़ी में छेद किया जाता था, यहाँ पे मार मार के। आप सोच सकते हो किसी को कितना दर्द होगा, वो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, है ना? अब खुद फील करो, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा कि कोई यहाँ पे पत्थर मारे और उसके यहाँ पे छेद करे, तो क्या उसके अंदर जो बुरी आत्मा है वो निकल जाएगी? और ऐसी कोई बुरी आत्मा नहीं होती कि जो किसी इंसान को जकड़ के बैठी है, ये होती है बस माइंड एबिलिटी। जिसका माइंड स्ट्रांग है वो ठीक है, जिसकी माइंड एबिलिटी कम हो गई, खराब हो गई या डैमेज हो गई, वो बिल्कुल बस इसी तरीके का बिहेवियर करने लगता है। अब सोचो ट्रिफाइनेशन मेथड में क्या था कि रोगी के खोपड़े में यानी उसके सर में यहाँ पे मार मार के नुकीले पत्थरों को मार मार कर उसके सर में छेद किया जाता था, जिससे रोगी के अंदर बैठी हुई बुरी आत्मा बाहर निकल जाए और रोगी ठीक हो जाए। ये विद्यार्थी ये अधगंडे थे रोगी को ठीक करने के लिए। क्या ऐसा है? ऐसा हो सकता है? कि मुझे तो नहीं लगता। आप मुझे बताओ कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, उस टाइम ऐसा होना ठीक था या फिर नहीं। और मुझे बताओ क्या कौड़े लगाना, शोर शराबा करना रोगी के पास और डंग ऑफ सिप खिलाना, ये सब ठीक होता था उस टाइम पे? आप ही बताओ मुझे कमेंट करके। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे हम इसी समय इसी जगह पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू, बाय।